के सुप्रसिद्ध गायक राजू सिंह अनुरागी से खास बातचीत की। वहीं भोजपुरी के सुप्रसिद्ध गायक राजू सिंह अनुरागी ने बताया कि आज मैं जो कुछ भी हूं अपने दर्शकों और श्रोतागण के आशीर्वाद और सहयोग से इस मुकाम तक पहुंचा हूं। नमस्कार, आज का सच न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं भोजपुरी के महा सुपरस्टार गायक राजू सिंह अनुरागी से। सबसे पहले तो हमारे जो भी दर्शक देखे वाला लोग बाबू के हमारे राजू सिंह अनुरागी की तरफ से प्रणाम बा। और अभी सावन के 28 तारीख के इन करे वाला बा, उससे पहले हमारे मार्केट में 4 एल्बम आ चुकल बा। वहीं उन्होंने कहा कि इस सावन में वे 4 एल्बम लेकर आए हैं। पहला एल्बम कावर के घंटी गोल गोल, जय हो भोले दानी, कृपा भोले दानी के और मन जोगिया में रमाइल, जो अलग अलग कंपनी से है, जिसमें सारा भजन भक्तिमय है। 28 तारीख के इन करे वाला बा, उससे पहले हमारे मार्केट में 4 एल्बम आ चुकल बा। और वेव कंपनी से बा मन जोगिया में रमाइल, टीएफ कंपनी से बा कृपा जय हो भोला दानी, और सिद्धार्थ फिल्म के बैनर तले दो एल्बम बा जोना के नाम बा जय हो कृपा करिए भोला दानी और कांवर के घंटी गोल गोल। इसमें से कौन सा ऐसा एल्बम जो आपको लगा के दिल को दिया होगा, दर्शक लोग को ज्यादा सुनना चाहिए कुछ ये वैसा? सारा भजन समझी की भावपूर्ण बा, सब कोई सुन सकेला। अभी देखा था जी माहौल काफी बदल गई बाटे, लोग भजन में भी कुछ रैप टाइप के सुनना चाहेला, लेकिन जबकि भजन के ही तौर से सुनने के चाहिए। और हम कोशिश के लिए बने कि सब भजन भावपूर्ण होके लोग के दिल के पसंद आवे, लोग के मन रमे और भक्ति में लोग लीन हो जाए। जब कांवर लेके कांधा पे लेके लोग जब चले तो वो भजन जरूर गुनगुनाए लोग। कोई तो गाना गुनगुनाइए जो आपको अच्छा लगा। जी जी, हमारे अभी जो गाना बा जो सब कोई पसंद कर रहा बा, यूट्यूब पर चढ़ गई बा, वो दू लाइन सुनाओ तनी रोवा लोग के हम। कि मन जोगिया में बरमाइल, जब से बा सावन आई, दर्शन के बा अभिलाषा, मन भक्ति में बा समाइल, शिव अभिनाशी के बन के दासी जाइब दुआरिया रे, शिव अभिनाशी के बन के दासी जाइब दुआरिया रे, कंवरिया 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 बन के कंवर उठाइब जाइब देवघर नगरिया रे, कंवरिया बन के कंवर उठाइब जाइब देवघर नगरिया रे। जुगिया में बरमाइल, जब से बा सावन आई, दर्शन के बा अभिलाषा, मन भक्ति में बा समाई, मन जुगिया में बरमाइल, जब से बा सावन आई, दर्शन के बा अभिलाषा, मन भक्ति में बा समाई, शिव अभिलाषी के बन के दासी जाइब दुअरिया रे, शिव अभिलाषी के बन के दासी जाइब दुअरिया रे, कंवरिया 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 बन के कंवर उठाइब जाइब देवघर नगरिया रे। सबसे पहले तो सारा भजन शिव जी के ऊपर बा, और साथ ही साथ भजन बा अभी के दोनों माहौल चलता ओकरा से हट के हम भजन ही परोसता नहीं। कहे कि भोजपुरी में अभी लोग भजन के छोड़ के थोड़ा लोग टेम्पू से शंकर भगवान आवतना टेम्पू से तो जटा कड़ुआ तेल से ये सब भजन के श्रेणी में ना आवेला। हम भजन गेले बनी जेके भजन जेकरा के भजला के बाद मन प्रसन्न हो जाए, जेकरा के गैला के बाद मन प्रसन्न हो जाए, वैसन भजन हम लोग के अपन दर्शक के देले बानी जेके सुन के लोग खुश हो जाए। अभी भजन में भी अश्लीलता देखने को मिल रहा है, इसपे क्या कहेंगे? अभी तो अभी हम बताएंगे भैया आपके कि भजन भजन लिखे रह गए। अब बताइए शंकर भगवान कहीं टेम्पू से जाले, जटा कहीं कड़ुआ तेल से धोल जाला, ये सब अभी
पब्लिसिटी पावे खातिर छोट छोट कलाकार जो जूनियर कलाकार लोग अभी आ रहा पब्लिसिटी ये लोग समझते कि समाज के का पड़ोसे के बाद भजन केकरा के कहल जाला। भजन के मतलब है कि जिसको भजने के बाद मन प्रसन्न हो जाए, प्राकृत प्रसन्न हो जाए, जिसके गाने के बाद भगवान आपको लगे कि साक्षात मेरे सामने खड़े हैं, वैसा भजन होना चाहिए। भजन उहे होला। भोजपुरी में बहुत पचरा होला। अभी हम आप लोग के बीच में वो देवी गीत भी लेके आ रहा बनी। वो देवी गीत के नाम बा माई हमारा के रखी हमारे औकात में। तो एक मतलब बा कि आपके अपना औकात में रहे के पड़े, चाहे कोई कलाकार हो के आम पब्लिक हो के, वो क्या अपना हैसियत में हो। एक गीत खास करके उन्होंने नशा मुक्त समाज के लिए गाया है। गांजा भांग ये सब पी के सब जाते हैं सावन में। कैसा है कि शंकर भगवान गांजा पीते थे, चाहिए करते थे। राउत प्रश्न के उत्तर राउत को रउआ खुद देता नहीं कि ऐसा है ऐसा नहीं है। आप अगर अध्यात्म में आइएगा और पुराण पढ़िएगा, शिव पुराण पढ़िएगा, देखिए ये सब जो गांजा भांग जो भी बात, ये शंकर भगवान पे ये समझिए द्वेष है, ये आपका पाप है। उनके ऊपर चढ़ाइए और वहां से अच्छाई लीजिए, उनको समर्पित कर दीजिए, ना कि उस पे चढ़ा के उसको खुद उठा के और चिलम में लगा के दम कसे के चाहिए। सागर मंथन जब हुआ था तो बीस को पीने वाला कोई नहीं था, सिर्फ शंकर भगवान थे। तो वो बीस को पी के इस धरती को बचाए थे। ये नहीं कहते कि भक्त तुम पीना शुरू कर दो, बुराई हार कहते हैं, माँ को हार पहनाएंगे। हार का मतलब होता है हार, हार जाना। माँ के गले में हार पहना के आप विजय लेके आते हैं, उसी प्रकार गांजा भांग जो है वो शंकर भगवान पे चढ़ा दीजिए, वो बुराई है, और अच्छाई उनसे मांगिए। ओकरे ऊपर वो गीत हम गेले बनी कि लोग आजकल शंकर भगवान को गांजा भांग लोग चढ़ा वाला, चाहे बाबा देखो लोग जब जाए देवघर के रास्ता में तो लोग कह लगे तो बाबा के बूटी टाना हो तनाटन आगे गोड़ बढ़ी, सब कुछ बात नहीं है। राव मन के धारणा बा, जो भक्ति से शक्ति मिली वो गांजा भांग पीला से तब वो शक्ति ना मिल सकेला। ओकरा ऊपर एगो हम भजन दिले बानी, रउआ लोग सुनाओ तनी, यूट्यूब पर सुने के मिली रउआ के टीएफ के माध्यम से हुआ रहा बा, लाइन सुनाओ तनी, सुनी जा। हमारे गीतकार विनोद उपाध्याय जी वहाँ के लिखले बानी, और बता दें कि म्यूजिक हमारे संजीत तन्हा जी, डांस धनबाद के हमारे छोट भाई केडी के माध्यम से बा, और वीडियो के एडिटिंग जो वीडियो सारा एडिटिंग होला वो महेश माही, और बाकी सिद्धार्थ फिल्म के हमार अमरजीत भाई बानो, सब कोई के बहुत प्यार दुलार बा। ओकरा में जो गीत गेले बानी लोगन के हम सुनाओ तनी कि सरधा बाटे जे अपार धार शिव पे गंगा धार, सरधा बाटे जे अपार धार शिव पे गंगा धार, भोग भांग ना धतुरा ना बेल पाती हा, जहर है भंगिया ना परसादी हा, जहर है भंगिया ना परसादी हा। लोग चढ़ा के का करेला कि अपना सवाद ला खा ले सब लोगवा, कहेला कि भोला जी के ये हावे भोगवा, अपना सवाद ला खा ले सब लोगवा, कहेले कि भोला जी के ये हावे भोगवा, ये हवे भोगवा, कि कौनो चढ़े ना चढ़ावा, खाले मिश्री ना मलाई, बाबा के नाही भाई, कौनो चढ़े ना चढ़ावा पर पाटी हो। पर पाटी का मतलब कहावत किदवंती यह, कि कौनो चढ़े ना चढ़ावा पर पाटी हो, जहर भंगिया ना परसादी हो, भक्त के भाव शिव के काफी है। सरधा बाटे जे अपार जे शिव अविनाशी, सरधा बाटे जे अपार धार शिव पे गंगा धार, सरधा बाटे जे अपार धार शिव पे गंगा धार, भोग भांग ना धतुरा ना बेल पाती जहर है भंगिया ना परसादी हाँ, सरधा बाटे जे अपार धार शिव पे गंगा धार, भोग भांग ना धतुरा ना बेल पाती हाँ, जहर है भंगिया ना परसादी हाँ, बमजी भक्त के भाव शिव के काफी हाँ। जी भक्त के भाव शिव के काफी हा।
जी के रक्षा लकैले बीस पान जी, एही से कहाल नील कंठ भगवान जी। भांग धतूरा काम क्रोध प्रतिरूप हा, जीवन के घाती साक्षात याम दूत हा, साक्षात याम दूत हा। हो जे के पूजे संसार देले सुखवाया पर, जे के पूजे संसार देले सुखवाया पर, खाल में वा नाही मिसरी बेल पाती हाँ। जहर हा भंगिया ना परसादी हाँ, बमजी भगत के भाव शिव के काफी हाँ। कावरिया के लिए सारा भजन भक्ति में है। चलते चलते उन्होंने दर्शकों और श्रोतागण से अनुरोध किया है कि इस एल्बम के सारे गीतों को सुने और मुझे इसी तरह प्यार और आशीर्वाद दें, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए एक से बढ़कर एक एल्बम पेश करता रहूं और धनबाद और कोयलांचल का नाम रोशन करता रहूं। बस सावन आ रहा बा और आप लोग से ये प्रार्थना बा, विनती बा, आग्रह बा कि रउवा लोग हमारे भजन के सुनी जा और शिव के भक्ति में लीन हो जाएगा, भजन के सुनिएगा जो ना के भजला के बाद मन प्रसन्न हो जाए, बस ये प्रार्थना बा। आप दर्शक वाली कोई के भी आप लोग आसमान में पहुंचा सके नहीं जा, अच्छा गीत संगीत हमने के परोसे की कोशिश करता रही जा, ओकरा के सुनी जा, जे बुरा गा रह बा ओकरा के तिरस्कार करी जा, ओकरा के हटाई जा, बस ये प्रार्थना बा। जुगिया में परम आई जब से सावन आई, दर्शन के पाय अभिलाषा मन भक्ति में बासमाई, मन जुगिया में परम आई जब से सावन आई, दर्शन के पाय अभिलाषा मन भक्ति में बासमाई। शिव अभिलाषी के बन के दासी जाइब दुअरिया रे, शिव अभिलाषी के बन के दासी जाइब दुअरिया रे, कंवरिया 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 बन के कंवर उठाइब जाइब देवघर नगरिया रे। भंगिया न परसादी हाँ, सरदा बाट जे अपार ठार शिव पे गंगा धार, भोग भांग ना धतूरा न बेल पाती हाँ। जहर भंगिया न परसादी हाँ, बमजी भक्त के भाव शिव के काफी हाँ।
धतूरा काम क्रोध प्राप्ति रूप हा। जीवन के घाती साक्षात याम दूत हा, साक्षात याम दूत हा। हो जे के पूजे संसार देले सूखा माया पार, जे के पूजे संसार देले सूखा माया पार। खाल मेवा नाही मिसरी बेल पाती हा, जहर हा भंगिया ना परसाती हा। बमजी भगत के भाव शिव के काफी हा।